नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल जय भारत जय रेल। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के सबसे ब्यूटीफुल हिल स्टेशंस में से एक धर्मशाला ट्रिप के बारे में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि धर्मशाला कैसे जाएं, धर्मशाला में ठहरने और खाने पीने की क्या व्यवस्था है, धर्मशाला में और धर्मशाला के पास मैक्लियोडगंज में आप कहां कहां घूम सकते हैं। साथ ही हम ये बताएंगे कि धर्मशाला घूमने जाने का बेस्ट टाइम कौन सा रहेगा और धर्मशाला विजिट में लगभग कितना खर्चा आएगा। इस वीडियो में धर्मशाला विजिट को डे बाय डे समझाने की कोशिश करेंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ट्रेन्स और टूरिज्म से रिलेटेड ऐसे ही वीडियोज़ हमारे चैनल पर आती रहती हैं। दोस्तों शुरू करते हैं धर्मशाला विजिट। सबसे पहले जान लेते हैं कि धर्मशाला इतना फेमस हिल स्टेशन क्यों है। धर्मशाला हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित। कांगड़ा की खूबसूरत वादियाँ पर्यटकों का मन मोह लेती हैं। धर्मशाला में बहुत से टेंपल्स हैं और यह जगह दलाई लामा के पवित्र निवास स्थान के रूप में बहुत पॉपुलर है। यह शहर अलग अलग ऊंचाई के साथ साथ ऊपरी और निचले डिवीजन में बटा हुआ है। निचला डिवीजन धर्मशाला कहलाता है और ऊपरी डिवीजन मैक्लियोडगंज नाम से जाना जाता है। धर्मशाला और मैक्लियोडगंज पर्यटकों के मेजर सेंटर ऑफ अट्रैक्शंस हैं। टेंपल्स, नेचुरल ब्यूटी के अलावा अगर आप ट्रैकिंग और कैंपिंग के शौकीन हैं तो भी आपके लिए धर्मशाला एक बेहतर ऑप्शन रहेगा। चलिए अब बात करते हैं धर्मशाला कैसे पहुंचें। अगर आप बाय रोड अपने सेल्फ व्हीकल से आना चाहते हैं तो यहां का रास्ता बहुत अच्छा है, आराम से आप यहां आ सकते हैं। और अगर आप बस से आना चाहते हैं तो दिल्ली या चंडीगढ़ से धर्मशाला के लिए HRTC और वॉल्वो बस मिल जाती हैं। दिल्ली से धर्मशाला तक की 480 किलोमीटर की जर्नी बस द्वारा 12 घंटे में पूरी होती है, जिसमें बस का किराया 800 से 1500 रुपये तक रहता है। अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो धर्मशाला के निकटतम एयरपोर्ट कांगड़ा में स्थित गग्गल एयरपोर्ट है, जहाँ से धर्मशाला 15 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आप ट्रेन से पहुँचना चाहते हैं तो धर्मशाला से निकटतम मुख्य रेलवे स्टेशन पठानकोट कैंट रेलवे स्टेशन है। देश के बहुत से मुख्य स्टेशनों से पठानकोट के लिए ट्रेन अवेलेबल हैं। कोशिश करें कि ऐसी ट्रेन से आएं जो सुबह अर्ली मॉर्निंग आपको पठानकोट पहुंचाए। पठानकोट कैंट रेलवे स्टेशन के बाहर से ही आपको धर्मशाला के लिए बस या टैक्सी मिल जाते हैं। पठानकोट से धर्मशाला के लिए HRTC की बस का फेयर 180 रुपये एवं वॉल्वो बस का फेयर लगभग 500 रुपये होता है। बसेस आपको 3 घंटे में धर्मशाला पहुंचा देती हैं, वहीं टैक्सी के चार्ज लगभग 2500 रुपये होते हैं। दोस्तों अब धर्मशाला पहुंच चुके हैं तो बात करते हैं धर्मशाला में कहां ठहरें। धर्मशाला पहुंचकर मेन स्क्वायर मार्केट में आप ठहरने की व्यवस्था कर सकते हैं। यहां आपको बजट होटल से लेकर लग्जरी होटल्स तक हर टाइप के होटल्स मिल जाएंगे। लगभग 1000 रुपये से 8000 रुपये तक के होटल्स यहां अवेलेबल हैं। पीक टाइम में होटल्स के प्राइस कुछ ज़्यादा हो जाते हैं। मेन स्क्वायर मार्केट में होटल लेने से आपको सभी प्लेसेस पर घूमने में आसानी हो जाएगी और खाने पीने की सुविधा भी यहाँ ईजिली हो जाती है। यहाँ शॉपिंग के लिए अच्छा मार्केट भी है और अच्छे रेस्टोरेंट्स भी हैं। यहाँ से सभी साइट सीन्स के लिए टैक्सी या रेंट पर स्कूटी भी इजीली मिल जाती हैं। रेंट पर स्कूटी या बाइक 700 से 1000 रुपये तक पर डे के हिसाब से मिलती हैं। इसके लिए आपके पास आधार कार्ड और DL होना ज़रूरी है। टैक्सी की बुकिंग नंबर ऑफ साइट सीन्स के अकॉर्डिंग होती है। खाने में यहाँ तिब्बतियन स्पेशल और नॉर्थ इंडियन थाली ज़्यादातर मिलती है। यहाँ के फेमस मोमोज ज़रूर टेस्ट करिए। यहाँ नॉर्मल थाली 200 से 250 में इजीली मिल जाती है। फर्स्ट डे में आप यहाँ होटल में पहुँचकर थोड़ा रेस्ट करके फिर निकलते हैं लोकल साइट सीन्स के लिए। सबसे पहले पहुँचते हैं मेन स्क्वायर मार्केट से लगभग 5.5 किलोमीटर दूर भक्सुनाग टेम्पल। अगर आप स्कूटी या बाइक लेकर पहुँच रहे हैं तो रास्ते में ब्यूटीफुल नज़ारे भी मिलेंगे। भक्सु विलेज में स्थित भक्सुनाग टेम्पल बहुत खूबसूरत है। यहाँ के रास्ते में बहुत सी शॉप्स, होटल्स, रेस्टोरेंट्स भी मिलते हैं। भक्सुनाग टेम्पल में एक छोटा सा सुंदर पॉन्ड भी है और यहाँ की पीस और पॉजिटिविटी का अनुभव अद्भुत होता है। यहाँ दर्शन के बाद आप यहाँ से थोड़ा पैदल ट्रैकिंग करके पहुँचते हैं भक्सुनाग वाटरफॉल, जिसमें आपको धौलाधर वैली के अत्यंत खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे। भक्सुनाग वाटरफॉल खूबसूरत वाटरफॉल है जो धर्मशाला मैक्लियोडगंज आने वाले हर टूरिस्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। वाटरफॉल के पास कुछ टाइम स्पेंड करके आप वापस आ जाते हैं मेन स्क्वायर मार्केट के पास दलाई लामा टेम्पल। यहाँ तिब्बतियन कल्चर देखने को मिलता है। यहाँ दलाई लामा से जुड़ी बहुत सी चीज़ें देखने को मिलती हैं। यहाँ मोनेस्ट्री भी है, यहाँ का एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा। फिर आप जा सकते हैं धर्मशाला का फेमस क्रिकेट स्टेडियम। स्टेडियम के गेट नंबर 4 से 30 रुपये का टिकट लेकर आप स्टेडियम को विजिट कर सकते हैं। अगर आप धर्मशाला गए हैं तो ये खूबसूरत स्टेडियम देखना ना भूलें।
स्टेडियम से ही 1 किलोमीटर दूर धर्मशाला का फेमस वॉर मेमोरियल 20 रुपए के एंट्री टिकट से आप यहां आकर यहां के अट्रैक्शंस को देख सकते हैं। फर्स्ट डे में अपनी इच्छा अनुसार इतनी विजिट करके वापस मेन स्क्वायर मार्केट पहुंचिए। डिनर करने के बाद होटल में आराम करिए। सेकेंड डे आपको निकलना है धर्मकोट। धर्मकोट को मिनी इसराइल के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ ज़्यादातर इसराइली टूरिस्ट मिलते हैं। धर्मकोट पहुंचकर आपको कांगड़ा वैली के खूबसूरत नज़ारे भी देखने को मिलेंगे। धर्मकोट में कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद चलते हैं फिर मैक्लियोडगंज। मैक्लियोडगंज में धौलाधार पहाड़ी रेंज के सुंदर नज़ारों के साथ यहाँ बहुत से मंदिर, मार्केट, होटल्स, रेस्टोरेंट्स आदि मिलेंगे। मैक्लियोडगंज धर्मशाला से स्काई व्यू पॉइंट से रोपवे द्वारा भी जा सकते हैं। 1.8 किलोमीटर का रोपवे विजिट 6 मिनट में तय होता है। वन साइड का फेयर 300 रुपये और बोथ साइड का फेयर 500 रुपये रहता है। अगर आप बाय रोड मैक्लियोडगंज जा रहे हैं तो आपको रास्ते में मिलेगा ये खूबसूरत सेंट जॉन चर्च। फिर मैक्लियोडगंज से 3 किलोमीटर आगे आप पहुंचते हैं यहाँ की फेमस डल लेक। ये कश्मीर वाली डल लेक नहीं बल्कि धर्मशाला की डल लेक है। ये खूबसूरत व्यू पॉइंट है जो हर टूरिस्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। यहाँ लेक साइड वॉकिंग, बोटिंग करके अपना ब्यूटीफुल टाइम स्पेंड कर सकते हैं। यहाँ से 1.5 किलोमीटर आगे आप जा सकते हैं नद्दी व्यू पॉइंट। नद्दी एक छोटा सा विलेज है। यहाँ तक ट्रैकिंग करके बहुत खूबसूरत नज़ारे देखे जा सकते हैं। नद्दी से सनसेट व्यू बहुत सुंदर होता है। यहाँ टाइम स्पेंड करके आप वापस आ जाते हैं धर्मशाला मेन स्क्वायर मार्केट। इस तरह आपकी सेकेंड डे विजिट कम्प्लीट होती है। होटल में रेस्ट करके आप नेक्स्ट मॉर्निंग चेकआउट करें और वापस जा सकते हैं पठानकोट। और अगर आपके पास समय है और आप ट्रैकिंग और एडवेंचरस एक्टिविटीज़ के शौकीन हैं तो आप ट्रियुंड ट्रैकिंग कर सकते हैं। यहाँ कैंपिंग भी इंजॉय की जा सकती है जिसका फेयर 1000 रुपये पर पर्सन होता है। शाम को खूबसूरत सनसेट भी देखा जा सकता है। धर्मशाला में आप लाजवाब एडवेंचरस एक्टिविटीज़ को भी इंजॉय कर सकते हैं। धर्मशाला घूमने के लिए आप कभी भी यहाँ आ सकते हैं। अगर आप स्नोफॉल के शौकीन हैं तो आप विंटर सीजन में यहाँ आएँ, अन्यथा पीक सीजन के अलावा जून से अक्टूबर का सीजन यहाँ पे बहुत खूबसूरत रहता है। धर्मशाला के पास आप ऐतिहासिक कांगड़ा फोर्ट भी विजिट कर सकते हैं और यहाँ का सुंदर केव टेंपल भी घूम सकते हैं। इसके बाद आप वापसी पठानकोट और फिर अपने शहर के लिए वापसी कर सकते हैं। अगर आप पठानकोट के रास्ते वापसी करना नहीं चाहते और आपके पास कुछ एक्स्ट्रा टाइम भी है तो आप टैक्सी बुक करके या अपनी गाड़ी से जा सकते हैं हिमाचल प्रदेश के ज्वाला देवी और चिंतपूर्णी शक्तिपीठ। यहाँ से वापसी आप अम्ब अंदौरा स्टेशन से अपने घर के लिए या दिल्ली के लिए कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के सभी 6 शक्तिपीठों की डिटेल्ड वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय रेल।